अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। खुदा आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे। जनाब, बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं और ये तैयारियां भी देख रहे हैं। ये चीज़ें अपनी पैक शैक करके रख रहे हैं और जो है ना कपड़े भी इनके मैंने रख लिए हैं। वाटर पार्क नहीं है बेटे, वो बेसिकली फार्म हाउस है। इन्होंने वाटर पार्क देख देख के इतना सर खाया हुआ था। अब यहाँ पे फैसलाबाद उस तरह का वाटर पार्क तो ऐसा है नहीं है कि जहाँ पे बच्चों को लेके जाता था। तो फिर ये जो है उनकी फैमिली और हमारी फैमिली जो है ना, वो हम लोगों ने बुक करवाया था फार्म हाउस, तो वहाँ पे जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बाकी सब मैं आपको वहाँ पर जाके दिखाऊँगी कैसा माहौल है वहाँ का, क्या चीज़ें हैं, ये वो सब कुछ। तो बस अभी इनकी तैयारी कर रही थी अपनी। इन्होंने जो है ना वो स्विम रिंग्स भी रख ली हैं, गॉगल्स वगैरह भी ला के मुझे दे दिए कि मामा ये भी पैक करके रख दें। तो बाकी हमने बारबेक्यू का सामान जो है ना, वो भी मैं अभी आपको सारा दिखाती हूँ। पिकनिक का जितना सामान जो होता है ना, वो रेडी कर लिया, वहाँ पे जाके करेंगे हम लोग बारबेक्यू। मैरिनेशन हमारी ऑलमोस्ट सारी हमने कर ली हुई है और जो है ना वो तैयारी कंप्लीट है। शाम को बाबा आएंगे इनके, ऑन लोग भी बस रेडी होंगे, तो फिर इकट्ठे जाना हम सब निकलेंगे। एक्साइटमेंट देख लो जाते हुए। ये क्या है? नक दा कोका है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। ये सारा इनका पूल एरिया है यहाँ पे, और ये यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ पे किचन है और हॉल कमरा बना हुआ है। हाँ, ये बहुत जोर लगता है इसमें। ये सारा किचन भी इनका बना हुआ। फिलहाल हमारा किचन का कोई काम नहीं है अभी, फ्रिज वगैरह भी अवेलेबल है। चीज़ें चीज़ें हमने रख दी हैं बारबेक्यू की। ये लग गया, ये हॉल कमरा है सारा। अच्छा, वो वाला उन्होंने लॉक किया है वो, और ये पता नहीं क्या है। ये बच्चे ओ आइए। अच्छा, ये यहाँ पे भी सारी जो है ना वो सिटिंग है इस तरह से। ये बड़ों के लिए यहाँ पे सारा पूल बना हुआ, और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं भाई देख के साइड पे। जा अरीशा, सबर कर ले बेटे, बच्चों के लिए ज्यादा है ना। मैं तो सिर्फ पंखों की वजह से देख रहा हूं। ट्यूब ले अच्छा अरे यार, असल में एक ना खड़े होकर लेवल चेक करने पानी का। बच्चों के लिए थोड़ा सा डीप है तो थोड़ा सा कम करवा रहे हैं पानी। यार तुम लोग चलो, फिर घर चलो। नहीं जा रहा क्या? आप डर लग रहे हैं ना। जा रही है, आप खड़े हो श्यान भाई के साथ, पकड़ के खड़ा करेंगे बेटे वो। एक तो डर रहे हैं ना साथ। जा रही है, एक मिनट जा रही है, वेट कर ले। जा रही है, अभी ना जाएंगे ऐसे, इंजॉय तो इन्होंने करना। मैं तो अपने वैसे एक्स्ट्रा लाई हूँ कपड़े, मैं मेरा दिल किया ना तो देखूंगी मैं भी लेकर आई हूँ। अरे ठंडा है ना, एक दफा तो ठंडा लगना है पानी। बॉडी में वो उतार के कर लेना ना आप। ये देखो, वैसे मेरे को नहीं लगेगा मुझे।
थोड़ा सा बस और जाए ना। इशी आप अभी जरा वेट करो। उसे अभी इधर ही रहने देना जरा बच्चों के पास। पानी ज्यादा है, बच्चे अभी जो है ना वो डर रहे हैं थोड़ा सा अंदर जाते हुए, तो कम करवाया। वो मैं टेबल पे रख के आई हूँ मामू, आपकी बनियान भी और वो भी करने लगे हैं बड़े वाले में। मामू भी चले गए अंदर। जा रही है बेटे ध्यान से। ले जी मामू भी आ गए। डर जाते हैं एकदम। अरीशा को भी खुदाम अरीशा भी डर रही है। आपको तो सिखाओ कैसे। इसके साथ आप जाओगे पता है मुंह ऊपर मुंह ऊपर। हाँ ऐसे अरीशा को डर ही बहुत लग रहा है। वो बाकी बच्चे चले गए, अरीशा जा ही नहीं रही है। बाजू इस पे रखो अरीशा, बाजू रखे बेटे, बाजू रखो। पहले मुझे बताओ पाँव लगे, पाँव लगे बताओ। उसके पाँव नहीं ना लग रहे, वो इसलिए डर रही है। ऐसी रहे, ऐसी रहे। मैंने पकड़ा हुआ है। वो जैसे अली बैठा है ऐसे बैठ जाओ, फिर आप गिरोगी नहीं बेटे। मैं टांग उसे पकड़ लूंगा। मेरे मैं जा रही हूँ चेंज करने। सो पानी करवा लिया थोड़ा सा कम। अब जो है ना मैं भी बस चेंज करूँगी, फिर थोड़ी देर के लिए पानी में जाते हैं। अभी बैठोगे तो ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। मैंने कहा पाए राव कहते हैं ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। नहा नहा के ना इनको अब लग रही है ठंड। आपने नहीं उतरना। अरीशा साहब का डर ही नहीं उतर रहा। सना चाची भी उतर ही नहीं। उल्लू त्राण खोल दिए। वो उल्टा हो गया। लगाना करना था ना पर। उल्टा ऐसे उल्टा। ऐसे 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 ऐसे। ट्यूब के बगैर है ना। निकल जा क्या? अल्लाह। दिल खर्च हो गया। कुछ नहीं भाई। ट्यूब के बगैर नहीं जाना। ट्यूब के बगैर नहीं इनको सही। बस यार जरा अब ना थोड़ी देर 20 मिनट ऐसे ही रहेंगे। 15-20 मिनट इधर ही। कहाँ पर है इतना बुरा बच्चे। हो जाता है सही। पानी ठंडा था ना। पानी ठंडा है काफी। अब जरा बैठे रहे बाहर ही। अब यहाँ पे एक साइड पे साथ साथ जो है ना हमारा बारबेक्यू का काम चल रहा था। पहले काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तिक्के मामू ने बनाए थे, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन को बिठा दिया था। यहाँ पे जो है ना वो चिकन सीख कबाब भी थे, चिकन टिक्का भी था और विंग्स जो है ना उनको भी हम लोग बना रहे थे। और बारी बारी जो है ना फिर सबने खाया पिया और थोड़ी देर खाने पीने के बाद जो है ना वो कुछ लोग दोबारा पानी में चले गए थे। और मैं जो ना वो मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, तो खाने पीने के बाद मैंने तो बस चेंज कर लिए थे और मैं आराम से जो है ना वो बैठ गई थी। लास्ट शिफ्ट पे सिर्फ करम ने मामू ने और ऑन रह गए थे, तो वो लोग खा रहे थे यहाँ पे खाना। थोड़े से जल भी गए हैं।
थोड़े ज़्यादा हो गए थे, ओवर कुक हो गया यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया था बारबेक्यू का, बहुत ही गर्म गर्म था, साथ साथ जब खा रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एक चीज़ की शदीद वाली कमी फील हो रही है, किचन गैस वगैरह सारा कुछ अवेलेबल था, हम लोगों ने गलती ये की है कि ना याद नहीं रहा कि हम लोग चाय का सामान ले आते, क्योंकि नहा के इस टाइम इतनी ठंड लग रही है ना, और इतना कोई दिल कर रहा है कि चाय अगर होती ना हम लोग चाय बना लेते, बट हम लोग चाय का सामान लेकर नहीं आए। सारे कैबिनेट्स वगैरह जो है ना वो प्रॉपरली किचन में बने हुए हैं, मसालों का मेरा ख्याल पड़ा हुआ है, पर बहुत ही अफसोस हो रहा है कि चाय का सामान नहीं आया, इनका हमारी चाय इस पर बन जानी थी। बाकी खा पी के हम लोग फ्री हो गए हैं, बाकी अब दोबारा से जो है ना वो एक शिफ्ट सब ने लगाई है पानी के अंदर, वो सारे नहा रहे हैं, और ये हमारा सारा सबका सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है अभी, तो मैं भी बस जाती हूँ इनके पास बाहर। मेरा मोबाइल नहीं था पहले मिल रहा, ढूंढ के अब जाके जो है ना वो मिला, मैं तो नहा के निकल आई हूँ अब, मैंने कहा मैं नहीं जा रही भाई, बहुत ठंड लगती है नहा के, क्योंकि पानी बहुत जो है ना वो ठंडा था। एक दफ़ा तो जब पानी के अंदर आप जाते हो ना आपको पता चल जाता है कि पानी कितना ठंडा है। तो बाकी सारे अभी भी दूर से मैं दिखाती हूँ ऐसे इंजॉय कर रहे हैं, बारबेक्यू वाला काम भी हो गया हमारा ख़त्म, बच्चों का दिल नहीं भर रहा, हमने कहा चलो जितनी देर बच्चों ने इंजॉय सब्सक्राइब। एक उधर फ्रंट पे भी लॉन बना हुआ है, ये गार्ड अंकल किधर सोते हैं, उधर कमरा बना होता, ये भी सारा लॉन बना हुआ है इनका। और जनाब यहाँ पे बच गया था एक, और हमारा टाइम जो है ना वो गया था ख़त्म, बच्चों ने क्या बड़ों ने हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे, मतलब अगर आप फॉर्म हाउस फैमिली के लिए बुक करवाते हो ना, पार्टी अरेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आया था यहाँ पे, गर्मियों के लिए तो बेस्ट जगह है ये वाली। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दें, नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, शेक केयर, फी अमान अल्लाह।